देखो एक्सरसाइज 11 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देखो। एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते हो। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का मीन्स होता है हाफ सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मीन्स होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2/r, ठीक है, ये सर्कल की क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ क्या होती है, वो होती है थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर, ये इनटू में 2πr, 2πr, ठीक है। फिर देखो यहां से अपने जो मेजर है वो स्टार्ट होता है मेज, माइनर सेक्टर, सेक्टर क्या होता है जो रेडियस से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो मैंने पार्ट फिल कर रखा है वो क्या है, माइनर सेक्टर है, और इसका एरिया क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है, ठीक है। फिर देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट फिल कर रखा है वो मेजर सेक्टर होता है, तो इसका एरिया होता है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, एरिया होता है। फिर देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है जो कॉर्ड से मिलकर बना होता है, ये यहाँ पे दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। सेगमेंट का कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपन सेगमेंट का फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेक्टर को काम में लेंगे, सेक्टर का मीन्स ये जो सेक्टर है ना इसको काम में लेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एक तो सेक्टर का फाइंड कर लेंगे और उसमें से ट्रायंगल को बाहर निकाल लेंगे। देखो ये इतना इतना सेक्टर दिख रहा है, ये ऐसे करके सेक्टर है और फिर ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, तो यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर, वो भी कौन सा, माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसमें से सब्ट्रैक्शन कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल है ना, इसके भी तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए मींस थीटा क्या आ जाए 60 डिग्री, तो इसका एरिया आपको लिखना, देखो इधर लिख रहा हूँ रूट में 3/4, रूट में 3/4 और ये साइड स्क्वायर, ठीक है, ये इसका है। सेकेंड का देखो, अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो उसमें क्या करना है, आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए। फिर अगर अदर एंगल आ जाए कोई से भी इन दोनों के अलावा, जैसे मान लो 50 डिग्री, 120, 180, तो कौन सा लगाओगे, तो लगाओगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट क्या होता है, ये ऊपर वाला जो मेजर होता है वो होता है, उसको क्या करेंगे, देखो पूरे सर्कल में से नीचे वाला हटा दूं अगर मैं, तो यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से क्या सब्ट्रैक्शन करूंगा, ये नीचे वाला देखो क्या है, माइनर सेगमेंट है क्या, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये क्या कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, ठीक है। और ये इतनी है आपके फॉर्मूला एक्सरसाइज 11।